नमस्कार दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले डे नाइट टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के सामने बांग्लादेश की टीम ने घुटने टेक दिए हैं। और दोस्तों, पहली पारी में बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने पिच पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और पूरी टीम मात्र 106 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी से इस मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कहर ढाया है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से रिकॉर्ड इस मुकाबले में किन खिलाड़ियों ने बनाया, साथ ही ईशांत शर्मा के रिकॉर्ड्स भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के स्कोर की। तो दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा सादमान ने बनाए हैं 29 रन, वहीं पर दोस्तों लिटिन दास ने 24 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। हालांकि लिटिन दास जहां पर रिटायर्ड हुए थे, उनकी जगह पर आए नईम भी मात्र 19 रनों का योगदान ही दे सके थे। इस तरह से पूरी टीम 106 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों की बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा 5 विकेट ईशांत शर्मा ने लिए, उमेश यादव ने 3 विकेट चटकाए, वहीं पर मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए। तो पूरी टीम 30.3 ओवर में ऑल आउट हो गई 106 रनों पर। दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी रही, खास करके ईशांत शर्मा की। अब दोस्तों, रिकॉर्ड की बात करें तो ईशांत शर्मा के नाम है शानदार रिकॉर्ड। ईशांत शर्मा बने हैं दोस्तों भारत की तरफ से पहला डे नाइट टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज, और साथ ही दोस्तों पहला 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी ईशांत शर्मा ही बने हैं डे नाइट टेस्ट मुकाबले में। ईशांत की घातक गेंदबाजी रही है, जिसके चलते इन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो रिकॉर्ड है दोस्तों भारत की तरफ से तेज गेंदबाज के रूप में सबसे ज़्यादा बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज। इन्होंने जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ दिया है। अब ईशांत शर्मा नंबर 3 पर आ चुके हैं, वहीं पर इनके आगे जहीर खान और कपिल देव मौजूद हैं। तो ईशांत की आज के इस मुकाबले में काफ़ी शानदार गेंदबाजी रही, जिसके चलते इन्होंने और भी रिकॉर्ड अपने नाम किए। उनमें पहली बॉल इन्होंने डाली थी, वहीं पर दोस्तों पहला मेडन ओवर भी ईशांत शर्मा का रहा, 5 विकेट भी ईशांत शर्मा का रहा और 5 विकेट ऑल भी ईशांत शर्मा का ही रहा। तो दोस्तों, आज का ये डे नाइट टेस्ट ईशांत शर्मा के लिए काफ़ी शानदार रहा और इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किए। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम की गेंदबाजी के बारे में क्या कहना है, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।